मुझे बाल्टी भर पानी में रगड़ रगड़ के नहलाती है तब आप लोग कुछ नहीं कहते हो, और अब मैं जरा सा क्या भीग गया तो आप लोग इतना चिल्लाने लगे। अरे दीजिए बच्चे, अरे अरे मुंबई के समुद्र का पानी कितना गंदा होता है, बच्चा बीमार हो जाएगा। मजे ले रहा था, रुला दिया उसे। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं इसी पानी का ना बनाओ। और देव बीमार पड़ गया तो ना, मुझे तो ना खिलाना। आज तक मैंने अपने साइलेंसर का इस्तेमाल किया था इन लोगों को चुप कराने या बुलाने के लिए, लेकिन आज न जाने ये अपने आप ही कैसे शुरू हो गया। देव को बुखार है, उठो जरा, पकड़ो इसे। डॉक्टर को बुलाए? नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, बस से दवा देनी है, पकड़ो। ऐसा लगता है कि करेले के जूस में गुलाब जामुन का रस मिला है। जाने क्यों आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चलो चलते हैं। अरे पिछली बार जब हम इसे घुमाने ले आए थे तो तुम लोगों ने इसका ये हाल कर दिया। वाह, हम लोगों ने नहीं, तुम लोगों ने। ओहो, क्या फर्क पड़ता है, देव बीमार पड़ गया ना, इतना रो रहा है। चलो चलो चलो, आज नहीं होगा, चुप चलो। ये खा ले, ये मुझे दवा है, हाँ अच्छा हो जाएगा तू, ये ले खा ले, अच्छा हो जाएगा। नाना गिर गया, तू मत गिर, अच्छा है ना, अच्छा है ना। बाबूजी देव की तबीयत कैसी है? अरे अब तो भला चंगा हो गया। अच्छा? है ना। हाँ अरे इसे तो बिल्कुल बुखार नहीं है, छोटी गोली बड़ा कमाल। यस ना, देखो देव को बुखार है, उठो। क्या कर रहे हो तुम, जरा हाथ पैर हिला, उठो जरा जल्दी। अरे उठ तो रहा हूँ यार, मुझे क्या पता देव बीमार है, क्यों सुबह सुबह टूट पड़ती है मुझ पर शूर्पणखा की तरह। खबरदार जो मुझे सुबह सुबह शूर्पणखा कहा तो। हेलो हेलो, क्या मैं डॉक्टर दारू वाला से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर देव नॉट वेल, आप जरा आएंगे आज? सॉरी फॉर द ट्रबल। अगर देखा जाए तो उस डॉक्टर अंकल का नाम डॉक्टर दवाई वाला होना चाहिए,
हे भगवान, कहीं ये दवा के बजाय लोगों को दारू तो नहीं देते? चल, मैं कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, इन्हें बच्चे को हर 4 घंटे के बाद देते रहना, और अगर बच्चे को जरा भी तकलीफ हुई तो मुझे फोन करना। डोंट वरी, इन ड्रग्स को लेकर ही विल बी ओके। नहीं बाबा, हो गया। डॉक्टर, आप चाय लेंगे? जी नहीं, इस वक्त मुझे जाना होगा। नहीं, प्लीज आई इंसिस्ट। ओके ओके। आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। डॉक्टर, शर्म नहीं आती ड्रग देते हुए हैं? अरे वो भी एक मासूम बच्चे को। और कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन अखबार में नहीं लिखा रहता कि ड्रग लेने से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं? जरा अब ये क्या पोमेरियन को तेजी तरह आवाजें निकाल रहे हैं? मैं आपकी ऐसी खबर लूंगा ना। ओहो, बिना कुछ समझे बरस पड़े बेचारे डॉक्टर पर। अरे ड्रग से इनका मतलब है मेडिसिन, दवाएं दवाएं। जरा समझाइए इन्हें। दवाएं ना तो दवाएं लिखिए ना, ये ड्रग कह के तो आपने मुझे टेंशन में डाल दिया। माफ करना डॉक्टर, ये जरा पढ़े लिखे कम हैं। इनका ऑटो स्पेयर पार्ट्स का दुकान है। आप अल्सेशन कुत्ते की तरह आवाज क्यों निकल रहे हैं? गले में जरा खराश हो। हाँ, जरा खराश। लेकिन डॉक्टर, आप ये मानेंगे कि इतने छोटे बच्चे के लिए एलोपैथी ठीक नहीं। पेश है 18वीं सदी का अद्भुत चमत्कार, होम्योपैथी। आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम लोग 21st सेंचुरी की ओर जा रहे हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। खाइए ना आप डॉक्टर, खाइए ना, प्लीज प्लीज खाइए। मीठी मीठी है, मीठी मीठी, गरम सब जाइए। नहीं, खा लीजिए, मिठाई समझ के खा लीजिए। मैंने और डाल दो, थोड़े से और डाल दो, कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं होगा, डाल दो थोड़ी सी। हो गया जी, हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अब इनकी तबीयत अच्छी तरह से खराब हो जाएगी। अरे डॉक्टर साहब कहाँ गए? पता नहीं, बस ऐसे ही मुंह उठा के चल दिए। आप लोगों ने जरूर कुछ कहा होगा। नहीं तो भला मैं क्यों कुछ कहने लगा उस शरीफ डॉक्टर को। मेरा शांत स्वभाव तो सभी को पता ही है ना। हाउ डू यू। तो आप चाय? मैं नहीं, डॉक्टर साहब को दो। मेरा मतलब प्रोफेसर साहब, मतलब समझ लीजिए, को दो, चाय पीजिए। बैठिए, हाँ बैठ के। बेटे का दूध कहाँ रखा है? नेम सा उधर रखे लाए ना, गरम करके। नेम सब इतना टेंशन काहे को लेता है, सब बराबर हो जाएगा। क्या करूं सच्चा भाई, देव बेटे की तबीयत ही ठीक नहीं हो रही। अगर देवा, लगता है अपुन को ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? आइडिया, छोटा हो या बड़ा पीना पड़ेगा काढ़ा। मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। गांव में जब मेरे बापू बीमार पड़ते थे ना, तो मेरी मम्मी उसको देती थी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। माँ की आत्मा या पिताजी की आत्मा? बुखार तो मैं किसी तरह झेल पाऊंगा, लेकिन इन लोगों की डॉक्टरी मुझे जरूर ले डूबेगी। अभी तू भी पिएगा काढ़े में इतने गुण, देव बेटा पी के गाने लगेगा दूध। ची, 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 ची। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज्यादा नासपीटी और बदबूदार चीज तो हो ही नहीं सकती। नहीं 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 सत्य भाई, नहीं, आपका काढ़ा आपको ही मुबारक। आई थिंक इट्स टाइम फॉर द साइलेंसर। Yeah!
मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। गुरुजी, 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 मुझे पता चला है कि आप इगतपुरी से मुंबई पधारे हैं। हमारे अहो भाग्य। जय, फोन नीचे रखो, मैं अपने गुरुजी से बात कर रही हूँ। जी अच्छा। गुरुजी, मेरा मेरा नवासा बहुत ही बीमार है और मुझे यकीन है कि आपके आशीर्वाद से वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ, आप आएंगे ना गुरुजी? अमृता, तुम्हारी माँ का दिमाग। हाँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। अपने आप से बातें कर रही? अरे वो इगतपुरी वाले बाबा से बात कर रही होगी, वो मौनी है। हाँ, नमस्ते गुरुजी। हेलो, हेलो डॉक्टर दारूवाला, हाँ मैं जय बोल रहा हूँ, जरा आप जल्दी घर आ जाएंगे, देव की तबीयत बहुत खराब है। थैंक यू। क्या हो गया? अरे बाबा जी, नहीं नहीं बाबा जी, ये मरीज नहीं है। घबराओ नहीं बेटी, ये झाड़ू वाले बाबा हैं। यहाँ क्यों आए अपने झाड़ू मारने? हमारा घर साफ है। ओ पता नहीं किस मनहूस का साया पड़ गया हो हमारे देव पुत्र पर, ये झाड़ू वाले बाबा जादू टोना और बुरी नजर के बुरे असर को छू मंतर कर देते हैं। हाँ बाबा जी, आप आइए मेरे साथ, मरीज उधर है, छोटा बच्चा है, आइए। खबरदार लो, मेरे बच्चे के पास नहीं गए आप लोग। ये नहीं, ये है छोटा मरीज। ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? ये झाड़ू बाबा है, झाड़ू बाबा। ये क्या झाड़ू बाबा? अभी उतार देंगे, अभी उतार देंगे, ये जादू टोना उतार देंगे। ठहरो, उतार घबरा मरो, ठहरो, सब ठीक कर देंगे, छू मंतर हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो आपने? किसे ले आया आप मुसीबत को? नानी की ये इच्छा थी कि मेरी सेहत पे रोशनी डालने वाला कोई तो आए, आखिर वो आ ही गया। गुरुजी, आप आ गए, हमारे तो भाग्य खुल गए। आइए आइए ना अंदर। किधर जाते हो? किधर जाते हो? कुछ नहीं होगा उससे। गुरुजी, हमारे लाडले पोते नु बचा लो। अजय कुछ तो दसो, स्पीक स्पीक। नो स्पीक, ये मौनी बाबा है। हाँ, कुछ बोलते नहीं। आइए गुरुजी, आइए। अरे किधर आए? डरिए आप, किस कार्टून का आए? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, नहीं आप हाथ नहीं लगाओगे? बाबा एक बार आया, अरे कितनों को बुलाया आपने? अरे मुसीबत है, हटो। ये मेरे इगतपुरी वाले गुरुजी है। गुरुजी, अरे तुम भागो, ये तुम भागो। अरे डॉक्टर, आप भी आए हैं, आइए ना अंदर। बैग ले लूं? अरे वो कौन है? ये बीमार बच्चे का घर है या किसी गांव का मेला? क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? डॉक्टर साहब, आप आ गए। देखिए अगर आप में से किसी ने भी इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगा। तो इतनी बुरी हालत होगी? नहीं, लेकिन अगर आपकी कोशिश जारी रही तो इस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत जरूर आएगी। अरे बच्चे इस उम्र में अक्सर बीमार पड़ते हैं, कोमल शरीर है इनका, आपके जैसा हत्या करता नहीं। और अगर आपने मुझे अपना काम करने नहीं दिया तो इस बच्चे की हालत जिंदगी भर पतली रहेगी। ही विल टर्न आउट टू बी अ वीक बॉय। आप प्लीज, आप लोग बाहर जाइए, आप सब लोग बाहर जाइए प्लीज, आप भी जाइए। गुरुजी, चलिए चलिए, जाइए प्लीज, जाइए आप। झाड़ू बाबा, एक मिनट, झाड़ू को जरा। डॉक्टर, विल यू रियली ग्रो अप टू बी अ वीक बॉय? प्लीज आप मुझे बच्चे के साथ अकेले छोड़ दीजिए, प्लीज आप भी जाइए। श्योर डॉक्टर। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी मुझे माफ कर, गुरुजी, गुरुजी। मैंने ऐसे ही झाड़ू वाले बाबा को तकलीफ दी। बाबा
माफ करें, ये रख लीजिए, लीजिए। मुझे डॉक्टर को अपना काम करने देना था। मैंने ऐसे ही देव को होम्योपैथी दवा दे दी, पर क्या करूं, डर सा लगता था, आखिर मैं भी नाना हूं ना। मुझे डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए था, मैंने काम का उसको वो टॉनिक दिया। अगर देव को काली उल्टी नहीं होती तो मैं खाम का गुरुजी को क्यों बुलाती? डॉक्टर साहब, मैं ना देव बाबा ने उल्टी नहीं किया था, वो तो काढ़ा था जो मैंने उसको पिलाया था, लेकिन आप ये मैम सबको मत बोलना। थैंक यू। अरे बाबा, काढ़ा था तो अच्छा है, कुछ नहीं हुआ तेरे को, बिल्कुल अच्छा है, वेरी गुड, यू आर वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बच्चा अब बिल्कुल ठीक है, बस आपकी दवा दारू से थोड़ा साइड इफेक्ट हो गया था, जो अब ठीक है, इज अंडर कंट्रोल नाउ। और हाँ, अब से आप डॉक्टर ही डॉक्टर पे ही छोड़ दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। मेरे परिवार वालों से मेरी एक ही विनती है कि आप प्लीज मुझे कोई ऐसी चीज दीजिए जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, ढेर सारा प्यार।